नए सीर चाय कभी पिया है? नहीं कभी नहीं, आज पहला बार। पटना का भी सबसे चीपेस्ट मार्केट हम लोग घूम रहे, खेतान मार्केट है। और यहाँ चाय वो कैसे बनता है? चाय तो पत्ती आता है, कश्मीरी पत्ती आता है छान के, उसके बाद काजू किशमिश बादाम। बहुत ही अलग टेस्ट है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली चाय पीते उससे काफी हट। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारे के ब्लॉग्स। तो कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम एक आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस ये वीडियो आपको पता चल गया होगा किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, अगर नहीं पता चला तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सीड चाय पीने के लिए। आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता होगा सीड चाय क्या होता है, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। देन हमें भी इधर ही पता चला कि सीड चाय नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो गाइस वो चीज़ सिर्फ रमजान के टाइम पे मिलती है, और वो गुलाबी कलर का चाय होता है, पिंक कलर का, और बहुत ही देखने में डिफरेंट लगता है। और पीने में कैसा टेस्ट है मैंने आज तक पिया नहीं है, तो देन हम उसी को टेस्ट करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम हम लोग उसे ट्राई करेंगे, तो चलते हैं एंड आपको वीडियो में दिखाते हैं कि वो चाय कैसी लगती है पीने में। और आपने अभी तक पिया है कि नहीं वो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, और अगर आपने पिया है तो आपको कैसा लगता है। तो चलो चलते हैं, उसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस फाइनली देख सकते हो हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं घर से, और अभी दोपहर का टाइम भी है, शाम के 4:30-4 बजने वाले हैं। फिर भी यार देख सकते हो रोड पूरा का पूरा खाली हो रखा है, अब ये चेक कर सकते हो। तो यार इतना धूप है कि कोई भी इस टाइम पे नहीं निकलना चाहता है, और हमारा भी मन नहीं करता है निकलने का, बट क्या करें वीडियो के लिए निकलना पड़ता है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ पूरी सुनाई दे रही हो कि विंड से कटता है ना गाइस साउंड। तब तक आप थोड़े बहुत रोड के सिनेमैटिक चेक करो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं खेतान मार्केट वाले एरिया में, और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड आशीष। हाँ तो आशीष कैसे हो? सब ठीक है। तो तुमने सीड चाय कभी पिया है? नहीं कभी नहीं, आज पहला बार पीने जा रहे हैं, नाम तो बहुत बार सुने। ओके ओके, तो गए इसने भी अभी तक ट्राई नहीं किया और हमने भी नहीं किया, तो हम लोग भी चलते हैं एंड पीते हैं, और उसमें क्या होता है कैसे होता है कैसे बनता है सब पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। और गाइड यहाँ का क्राउड चेक करो यार, कितना ज़्यादा भीड़ है। पटना में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी यार कुछ कहने लगी, बट अभी आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब बाकी दिन से आज का मौसम मतलब काफ़ी नमी है, मतलब अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। दो तीन दिन पहले तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ का खेतान मार्केट का ये क्राउड चेक कर सकते हो, यहाँ पर अंदीना ही ऐसे ही भीड़ रहता है, क्योंकि चलने का जगह नहीं मिलता। अभी हम लोग क्राउड से निकल चुके, और इस पटना का भी सबसे चीपेस्ट मार्केट हम लोग घूम रहे हैं खेतान मार्केट है। और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और अभी देख सकते हो जब पूरा मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर, और रमज़ान को लेकर के, और कल शायद ईद है, तो कल को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारे भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्राउड देख सकते हो, पूरे मार्केट में भीड़ एकदम लगा हुआ है। तो हम लोग भी चलते हैं और सीड चाय ट्राई करते हैं और बताते हैं क्या। आप लोग को भी पिलाते हैं, जो ऐसे तो हाथ में मिलेगा नहीं, देखते हैं आप लोग भी मज़ा लीजिए थोड़ा। और आज रमज़ान का आखिरी दिन है, तो आज लास्ट बार मिलेगा तो हम लोग पी लेते हैं, फिर आप लोग वीडियो देख करके अगली बार ट्राई कर लो। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं सब्जी बाग वाले एरिया में, और यहाँ पे गाइस आप क्राउड चेक कर सकते हो यार कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे पूरे सब्जी बाग को सजाया गया, और अब यहाँ का फाइनली हमें सीड चाय का स्टॉल मिल चुका है। तो आइए भैया से बात करते हैं, आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद शकील। तो ये बता सकते हैं कि ये जो चाय है वो कैसे बनता है? चाय तो पत्ती आता है, कश्मीरी पत्ती आता है। अच्छा, तो 4 घंटे पत्ती को खोलाना पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद जब खोल जाता है तो पत्ती को उन्हें तोड़ना पड़ता है, फेन की तरह साबुन की तरह होता है। अच्छा, और उसको फेंट के उसके बाद छान के उसके बाद काजू किशमिश बादाम और पोस्ता दाना छुआरा नारियल ये सब देते हैं। ये
सारा चीज उसमें पड़ता हाँ, है पड़ता है। वैसे इसका प्राइस क्या वो पड़ जाता है? इसका 15 रुपया। 15 रुपया पर कप का? हाँ पर कप का यहाँ पे 15 रुपये इनका प्राइस पड़ जाता है। और ये मतलब सिर्फ रमजान में ही मिलता है ना? रमजान के मौके में मिलता है, अंदीने में नहीं होता। अच्छा ये बता सकते कि अंदीना में ये क्यों नहीं मिलता है? नहीं अंदीना में इसलिए नहीं मिलता है कि रमजान का ही बरकत का महीना है। अच्छा इसीलिए बनता है हर जगह। तो गाइस ये सिर्फ रमजान के महीने में मिलता है और आज शायद रमजान का आखिरी दिन है ना? हाँ कल शायद ईद है। हाँ हाँ तो ये आज ही पर लास्ट लिमिटेड है। हाँ भोर भोर तक रहेंगे हम लोग। अच्छा भोर तक रहेंगे आप लोग जी। रात से लेकर के मतलब शाम से इसका स्टार्ट कब से होता है आपका स्टोर? ये आपका मगरिब का 5 बजे अजान पड़ जाएगा ना? हाँ शुरू हो जाएगा, उसके बाद से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। तो गाइस ये शाम में 6:30 बजे के बाद, 6-6:30 बजे के बाद रमजान पड़ जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है इनका स्टॉल। और ये सिर्फ रमजान के महीने में मिलता है और आज इसका आखिरी दिन है। तो आई होप कि आप जिन जिन ने ये ट्राई नहीं किया है तो वो सब आकर के ट्राई कर सकते हो और आज हम भी ट्राई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कभी ट्राई किया नहीं है। वैसे इसका टेस्ट कैसा रहता है अंकल बता सकते हैं? चाय पीने के बाद आपको पता चलेगा टेस्ट क्या रहता है। वो तो है, मतलब पहले कभी पिया नहीं है, इस बार भी हमें पता चला है कि सीड चाय नाम का भी कुछ है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मैं पीछे अंकल का स्टॉल है और इनका अभी तक इस चाय का स्टॉल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग कुछ काम है, पहले उस काम को निपटा लेते हैं, दोबारा हम लोग शाम में फिर आएंगे। क्योंकि क्या बोलते हैं नमाज ख़त्म हो जाने के बाद ही मतलब कुछ होता है इन लोगों का, तो उसके बाद ही ये चालू होता है। तो फिलहाल हम लोग को जो कुछ काम है वो पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर अंकल के स्टॉल पर आएंगे हम लोग चाय पीने के लिए। और आज ये सुबह के 4 बजे तक रहने वाला है, तो आप लोग भी चाहो तो आकर के ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अंकल जी के पास स्वीट चाय पीने के लिए और अभी स्वीट चाय हो चुका है रेडी। तो आइए चाय पीते और आपको उसका टेस्ट बताते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग दोबारा आ चुके हैं अंकल के दुकान पर सीड चाय पीने के लिए और अभी हम लोग फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाले हैं और कैसा इसका टेस्ट लगता है पीते और आपको बताते हैं। तो गाइस इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अलग टेस्ट है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली चाय पीते उससे काफ़ी हट करके इसका टेस्ट है। और गाइस ये आज सुबह 4 बजे तक ये स्टॉल लगने वाला है, तो आप सब आकर के यहाँ पे पी सकते हो। एंड आज आखिरी दिन है रमजान का, तो कल से ये चाय नहीं मिलने वाला, फिर आपको अगले बार रमजान में मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने चाय ट्राई कर लिया और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यार, पीने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चाय काफ़ी टेस्टी भी था और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हुई थी। फिर अंकल के स्टॉल पर हम लोगों ने आकर के चाय पिया है और इनका स्टॉल पड़ता है अशोक पत्रा वाले रास्ते में और यहाँ पे मुरादपुर गली के पास में इनका एग्जैक्ट स्टॉल पड़ता है। अगर आप सब्जी बाग से लेकर PMCH वाले रास्ते में आओगे तो वहाँ पे आपको अंकल का स्टॉल दिख जाएगा। तो अंकल आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सजीद। तो थैंक यू सो मच अंकल, पी करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। ये थोड़ा बचा लियो ठीक है, पता क्या कि गाड़ी वाड़ी मार देगा मेरे को वीडियो के, तो ही पटी आ जाए।